अब जैसे ये टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रही है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार रॉ फील ख़त्म कर दी, लाइक किक हटा दी इसमें से। टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं, तो आप इसमें सीट अपग्रेड करा सकते हो शोरूम से ही, आपको छोटी हाइट वाली सीट। एंड स्मूथनेस तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब आप डेली कम्यूट के लिए भी अगर। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे खड़ी ऑल न्यू स्टील ब्लैक क्लासिक 350, और आज मैं आपके लिए इस पर फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। पिछला मैं इस पर रिव्यू बना चुका हूँ, वो नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन पर शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाकर देख लेना। चलाकर देखेंगे, इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है और आपके लिए इन द 2022 ये राइड चॉइस है कि नहीं, ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, तो चलते हैं अब इसे राइड करने। कुछ इस टाइप की कीज़ आपको इसमें मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो मीटियोर जैसे ही आपको इसमें इग्निशन मिल जाता है, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो इस बार जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी पंची बना दिया है, बहुत ही बढ़िया थंब दे रहा है। स्टार्ट करते हैं इसके इनिशियल पिकअप से। सो यार गाइस, नेक्स्ट जेन वेरिएंट में सेकंड टाइम चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा चलाया था, हायर आरपीएम पे नहीं ले गया था, आज मैंने इसे फुल थ्रॉटल पे चलाया। और जो यार रिफाइनमेंट है ना, मतलब 1% भी वाइब्रेशन मुझे नहीं आ रहे। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लासिक को चला रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि रॉयल इनफील्ड की बाइक है। नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट अब दे दी है, जैसा कि जे प्लेटफॉर्म वाला इंजन है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। 349 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसके कारण आपको हीटिंग इशू फेस नहीं होने वाला है। पावर फिगर्स की बात करें, 20.32 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो पावर बहुत ही बढ़िया जनरेट कर लेती है। देखो इनिशियल जो है ना गाड़ी का, मतलब अराउंड 60-80 तो गाड़ी बहुत जल्दी चली जाएगी। उसके बाद जैसा कि ये टॉप एंड के लिए तो है ही नहीं, स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में नहीं आती, तो आपकी टॉप एंड नहीं जाएगी गाड़ी। 100-110 के बाद ये गाड़ी बहुत ही लीनियर हो जाती है, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड जनरेट करती है। इनिशियल बहुत ही बढ़िया है। अब माइलेज की जहाँ तक की बात आती है, तो माइलेज कंपनी 40 का क्लेम करती है, 38 से 40, बट वो इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिटी पर्पस के लिए इस बाइक को बाय कर रहे हो तो 35 का माइलेज आपको इजीली दे देगी, एंड अगर इकोनॉमी पे आप हाईवेज पे चला रहे हो 60-70 की स्पीड पे, तो आपको 40 का माइलेज भी इजीली दे सकती है। मीटियोर से मैंने माइलेज टेस्ट करा था, 44 का निकाला था, तो आप मैक्स टू मैक्स अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हो। आप में से कोई ओन करता है और कितना माइलेज आपको दे रही है ये मुझे आप कमेंट में एक बार शेयर कर देना। सो अभी अगर पोस्चर की बात करें ना, बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है, देख सकते हो आप, बहुत ही स्मूथ चल रही है। बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा मैं 70-80 की स्पीड पर इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। एंड यार क्लासिक चलाने का जो मज़ा है ना, वो मतलब BS4 में भी था, BS6 में भी है। अब जैसे ये टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रही है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार रॉ फील ख़त्म कर दी, लाइक किक हटा दी इसमें से, सेल्फ रखा है, एंड वो पहले वाला थंप नहीं। अब आप अगर एग्जॉस्ट भी लगा लोगे तो कोई यूज़लेस ही एक तरीके से, बिकॉज कैटलेटिक कन्वर्टर O2 सेंसर के कारण आपको एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलेगा। बट हाँ यार, BS6 नॉर्म भी ज़रूरी है, पॉल्यूशन फ्री अब कर दी है गाड़ी। तो अब यहाँ से देखते हैं टर्निंग रेडियस, तो गाड़ी लीन बहुत प्रॉपर हो रही है। मतलब अगर सिटी पर्पज़ के लिए भी बाइक कंसिडर कर रहे हैं तो डेली यूज़ में आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हो आप, बहुत ही रिफाइंड है यार, बहुत रिफाइंड। यहाँ से अब हम यू टर्न लेंगे तो इसका टर्निंग रेडियस भी देख लेंगे, ब्रेक्स भी चेक कर लेंगे। जैसा कि ये स्टील ब्लैक एडिशन है, डार्क सीरीज में आता है, तो इसमें आपको डियोल चैनल ABS एंड डियोल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो एक बार इसके ब्रेक्स चेक करते हैं। ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छी है, टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं, ईजीली टर्न हो रही है, ईजीली, मतलब सिटी पर्पज़ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब प्राइसिंग की बात करते हैं, स्टील ब्लैक जो ये कलर है बहुत लोगों का फेवरेट है, मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। माना इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बट चॉइस के सामने तो ये सारी चीज़ें फिर कोई ध्यान ही नहीं देता। एक शोरूम प्राइस है 2,17,000 रुपीज़, ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इसे हमने इंदौर मध्य प्रदेश में 2,50,000 रुपीज़ का परचेज़ करा है। अब सीट हाइट की बात आती है, देखो मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, प्रॉपर चला रहा हूँ मैं, 195 kgs का बाइक का वेट है। तो देखो यार, वेट किसी को भी पता नहीं लगेगा इस बाइक का, कब तक नहीं पता लगेगा, जब तक गाड़ी झुकती नहीं है। अब जैसे कि हमें तो आदत है गाड़ी चलाने की, मैं भी मेरी थंडरबर्ड इतने सालों से चला रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई नई बात नहीं लगती, बट कोई एज अ बिगनर इस गाड़ी को चला रहा है
तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि ये रॉयल इनफील्ड राइड कर रहा है। एंड जब झुकती है ना गाड़ी तब उसका वेट असली पता लगता है। सीट हाइट 805 mm की, तो जो कोई 5'5" 5'6" है ना उनके पूरे पैर नहीं टिकेंगे। 5'7" से लेके 6 feet के लिए गाड़ी बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। बट क्लासिक में ये चीज़ कंपनी ने अच्छी करी कि अब आपको चॉइस मिल जाती है। अब अगर आप चाहो तो आप इसमें सीट अपग्रेड करा सकते हो शोरूम से, आपको छोटी हाइट वाली सीट मिल जाएगी, तो जिससे इसका मतलब सीट हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, तो शॉर्ट राइडर्स भी इसको ईजिली चला सकते हैं। अगर मैं हाई गियर पर भी बढ़ाना चाहूँ, टॉर्क सफिशियंट है, गाड़ी नॉक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एंड इस बार आपको इसमें डिजिटल MID मिल जाती है। मतलब मीटियोर जब आई थी ना, मीटियोर रॉयल इनफील्ड ने लॉन्च करी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार बहुत ही एडवांस फीचर के साथ लॉन्च कर दी। थंडरबर्ड का अगला वेरिएंट था जो कि अलग ही प्लेटफॉर्म पे बना दिया था। क्लासिक वही आ रही थी, स्टील ब्लैक में भी निकाली थी, बट जब ये नेक्स्ट जेन वेरिएंट आया ऑलमोस्ट सारी तो नहीं बोल सकते बट काफ़ी चीज़ें आपको मीटियोर जैसी मिलने लग गई। लाइक आप यहाँ पर ये कंसोल देख सकते हो, इग्निशन स्विच पूरा मीटियोर वाला है। यहीं पर आपको टॉगल करने के लिए स्विच मिल जाता है, जहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, किलोमीटर्स जैसी सारी चीज़ें यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। एंड USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा है, तो बहुत से एडवांस फीचर्स आपको इस बार मिल जाते हैं। हॉर्न की बात करें तो देख सकते हो आप बेसिक ही हॉर्न है। एंड सिटी में देख सकते हो यार नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है चलाने में, स्पेशली आप हाई ट्रैफिक में चला रहे हो ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बैजिंग दिख रही है ना, जैसा कि मीटियोर में एंड बाकी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में ट्रिपर नेविगेशन आ रहा है, तो आप उसे भी अराउंड जो भी कॉस्टिंग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग है, तो आप शोरूम से इंस्टॉल करा सकते हो ट्रिपर नेविगेशन अगर आप लंबी राइड्स पर जाते हो। तो देखो अगर आप लंबी राइड्स पर जाते हो, राइडिंग एंथुजियास्ट हो, तो एक ही चीज़ आपको करनी रहेगी, वो है फ़ोन होल्डर लगा लोगे तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है, आप इजीली चार्ज भी कर सकते हो। ओवरऑल चलाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही रिफाइंड मोटर है एंड स्मूथनेस तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप डेली कम्यूट के लिए भी अगर 80-100 की स्पीड से भी चलाओगे, रिफाइनमेंट कर दिए तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं आते। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, देखो मैं एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ, साइड मिरर पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही रिफाइंड है। अब कंक्लूजन की ओर आते हैं, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, तो शुड यू बाय वाला रोल ही नहीं उठता, बिकॉज क्लासिक का पहले से अलग ही फैन बेस रहा है। 2,50,000 से 2,55,000 तक की इसकी ऑन रोड प्राइस जा रही है, तो सेगमेंट वाली बात ही नहीं आती। जो एक ट्रू रॉयल इनफील्ड लवर है, जिसको लेगेसी चाहिए रॉयल इनफील्ड की और एक क्लासिक ओन करने का सपना था, तो वो इस बाइक के साथ जा सकता है। वीडियो को एंड करते हैं गाइज, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।